मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ गई है। पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने की निर्वाचन आयोग में शिवसेना ने शिकायत की है। शिवसेना ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर भाजपा की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सदस्यों के आधार पर ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग में शिकायत पर जायज नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे आपकी और क्या शिकायत की आपने? जिस तरह सत्ता के लालच में आके शिवराज जी ने नियमों को ताक में और संविधान को ताक में रख के मंत्रिमंडल का गठन किया है, जिस तरीके से 30% जो विधायक है वो मंत्री बन सकते हैं। प्रेजेंट में 206 विधायक हैं और 24 सीटों पे अभी उपचुनाव होना है, तो उसमें 30 मंत्री बनने चाहिए थे। शिवराज सरकार में 34 मंत्री बना दिए गए हैं। और दूसरी बात ये कि एक ही क्षेत्र के 14 मंत्री, 2 पहले बना दिए, 12 मंत्री अभी बना दिए गए हैं। तो क्या शिवराज सरकार सत्ता में लालच में आके केवल ग्वालियर संभाग से ही प्यार बचा है? सिंधिया जी के दावा में क्या शिवराज जी को पूरा मध्य प्रदेश को एक समान हैसियत से नहीं देखना चाहिए? ऐसे में प्रदेश का कैसे विकास होगा? शिवसेना जो संविधान और नियम में कहा गया कि 1 या 2 आपातकाल की स्थिति में 1-2 मंत्री बना सकती है, लेकिन शिवराज सरकार ने तो सीधे पूरे मंत्रिमंडल का गठन किया और 14 ऐसे लोगों को विधायक, जो विधायक नहीं उनको मंत्री बना दिया गया। इसको लेकर आज शिवसेना ने निर्वाचन आयोग में ज्ञापन दिया है और आगे चल के यदि हमारी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इसका सुनवाई करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।